तो देखिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो लिस्ट जारी हुई है ना वो सबसे बड़ी बात यह है चौंकाने वाली। जी हाँ, तीन केंद्रीय मंत्री को दिया गया है एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर। कांग्रेस ने अब हमला कर दिया कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, कमलनाथ ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। दूसरी लिस्ट जब जारी की गई, बीजेपी ने ना तो विधानसभा जीतेगी और कांग्रेस बीजेपी से दोगुनी सीट जीतने जा रही है। तो ये कमलनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी विधानसभा तो यहाँ हारेगी ही और आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होगा तब भी बीजेपी नहीं कुछ कर पाएगी। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए कांग्रेस जीत हासिल करेगी। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए तो दो तिहाई बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। तो देखिए दूसरी लिस्ट की बात की जाए तो 39 प्रत्याशियों के नाम है और इसे लेकर आपको बता दें सीधे तौर पर अब निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ से। दरअसल दूसरी लिस्ट जो जारी की गई है उसमें तीन केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि अब सीधे तौर पर इसे लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है और सीधे तौर पर कहा कि तथाकथित बड़े नामों को जो टिकट दिया गया है उससे बीजेपी कोई भी सीट जीतने नहीं जा रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर आगे बढ़ रही है और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, वाकई एमपी में जो लिस्ट जारी हुए हैं चौंकाने वाले। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर, क्या समझे जो लिस्ट जारी किया गया, तीन केंद्रीय मंत्री का नाम है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कमलनाथ ने साफ तौर पर यह दावा ठोक दिया है कि बीजेपी इस बार जीत हासिल नहीं करेगी, कांग्रेस इस बार परचम लहराएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दूसरी सूची चौंकाने वाली है। 39 नाम है जिनमें से आप देखा जाए तो 36 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के खुद सिटिंग एमएलए हैं। अब बाकी बची तीन सीटें, तो तीन सीटें ऐसी हैं जिनमें से एक सीट पर मैहर से जो विधायक है जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसकी जगह अब बीजेपी ने मैहर के दूसरे कैंडिडेट को उतारा है। साथ में सीधी पेशाब कांड में जो केदारनाथ शुक्ला थे बीजेपी से विधायक, उनकी जगह अब सीधी से जो सांसद हैं रीति पाठक, उनको टिकट दिया गया है। तो और तीसरी तरफ जो सीट है बीजेपी की, वहां जो है नरसिंहपुर की, नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल के बड़े भाई यानी प्रहलाद पटेल, जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री, उनको दिया गया है टिकट। ये भी सिटिंग एमएलए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बड़ी बात है कि इस जो सूची में चौंकाने वाली बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते और ये तीन केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद जिनको टिकट दिया गया है, इनमें से 4 जो ऐसे नेता हैं, जैसे अगर बात की जाए तो प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, रीति पाठक पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी यहाँ पर, इसके अलावा गणेश सिंह जो कि सांसद हैं वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे नेता जो कि सांसद हैं लेकिन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, एक कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। कांग्रेस में कमलनाथ ने ट्वीट करके वही बात कही है जो कांग्रेस लगातार अब कर रही है सूची के आने के बाद से, कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी ये बताने की कोशिश कि इतने बड़े दिग्गजों की टीम जब मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उतारी है तो एक बड़ा सवाल यहीं पर उठ रहा है कि आखिरकार ये चौंकाने वाला सूची है। दूसरा मुकाबला नरेंद्र सिंह तोमर का हो या कैलाश विजयवर्गीय का, कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला भी सिटिंग एमएलए से होगा इंदौर में, लेकिन इन सब के बीच में तीन बड़ी चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे जो हैं देवेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो लगातार अपने क्षेत्र डिमनी क्षेत्र जहां से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिला है सक्रिय थे,
उनको लग रहा था कि उनके बेटे को टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं, पता नहीं अचानक हुआ कि उनके बेटे की जगह अब उनको टिकट मिल गया है। कैलाश विजयवर्गीय को इस बात की टेंशन सता रही है कि उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर 3 से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, अब उनके टिकट का क्या होगा, क्योंकि इंदौर से पिता और पुत्र दोनों को ही अगर टिकट मिल जाएगा तो कैसे चलेगा, ये बात भी एक चौंकाने वाली बात, ये टेंशन सता रही है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल के छोटे भाई का टिकट कटना, उनकी जगह उनको मिलना टिकट, तो ये भी बड़ी बात है कि उनको भी ये लग रहा है कि आखिरकार उनके भाई का टिकट कट के उनको टिकट दिया गया है। इन सब के गणित तो आप देखने वाली बात हो कि आखिरकार रणनीति क्या है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार इस बात पर सवाल भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। और देखिए, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सांसद कहां से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एमपी के रन की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री जो मौजूदा सांसद विधानसभा लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, तो अब बात की जाए तो देखिए उन्हें जो टिकट दिया गया, और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार उनके बेटे को, अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अगर आप बात कर लें कैलाश विजयवर्गीय, जी हाँ, बहुत लंबे समय बाद इस बार फिर से मध्यप्रदेश की राजनीति में वो वापस करेंगे। और मध्यप्रदेश का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है शिवराज सिंह चौहान, जो कि लंबे वक्त से एक चेहरा, और क्या इस बार बीजेपी ये जनता के सामने मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो चेहरा है वो कई सारे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको इस बार टिकट दिया गया है। मौजूदा सांसद की बात की जाए तो मुरैना से, और विधानसभा चुनाव वो दिमनी से लड़ेंगे, जहां की उनके बेटे लगातार आप देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन टिकट दिया गया उन्हें। प्रहलाद सिंह पटेल की बात की जाए तो उन्हें भी विधानसभा टिकट दिया गया। अगर फग्गत सिंह कुलस्ते की बात की जाए, सांसद हैं मंडला से, और गणेश सिंह मौजूदा सांसद सतना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सतना से। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।